लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया, क्यों लाया उड़ाया खिलाफ, हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के देखे लेके रहेंगे। बात करते थे प्रेम, ऐसा कौन नहीं करता है, कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं, किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं। या नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने, हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंचेंगे, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं कह रहे कि पूरा दुनिया सोया हुआ है, वैसा एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, थाना सो जाएंगे, उस सब तो थोड़े हम दुनिया नहीं देखे, नहीं देखे हैं, हकीकत बात है, लेकिन दिखा देंगे सबको दुनिया कैसे होता है। घर नहीं खोएंगे, घर क्यों खोएंगे, घर खोने का रहता तो हम उस घर में रहते, इस घर नहीं आते हैं। शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे उसका लिए। गांव वाले तो आया था मारने, कैसा हो सकता है गांव वाले लिया है, जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको, जो गलत सही बात हम बोलेंगे, बोलेंगे वो जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया, हम बोले दिमाग खराब आपका। आरती, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि आपकी दादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फोन आपने किया था, आपकी भाभी ने नहीं, और आपकी भाभी के पास फोन नहीं था, इसमें क्या है? वो गलत बात है, मेरी फोन लेके कॉल करती थी, मैके सब करती थी, इससे पहले भी करती थी, मेरी मोबाइल लेके की है कॉल, कैसे हो सकता है कि नहीं की है, गलत गलत आरोप लगा रही है। आपके फोन से आपकी भाभी ने फोन किया जी और बुलाया था जी, आपने फोन दे दिया था जबकि आपको पता था कि आपकी और आपकी भाभी आपकी मैं नहीं बनते, मांगती थी तो देते थे, सबका कॉल आता था, सबसे बात करती थी, कराते थे हम बात। अच्छा, भैया के पास फोन नहीं था? भैया के पास थे तब पर भी हमसे भी करते थे। अच्छा, आप ही का फोन यूज करती थी जी, ज्यादातर करते थे मेरे ही। अच्छा, ये आपको जानकारी थी कि आपके भाभी ने फोन करके छोटू को बुला रही है? हमको नहीं थी जानकारी इसके बारे में, जानकारी नहीं, हमको बीच बीच में बात भी करती थी तो हमको नहीं बोलती थी वो। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी, कितने बजे रात को था? कितने बजे रात के, 2 बजे के लोम समय था, 2 बजे के कुछ ऐसे मतलब में। भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी, शाम में की थी। क्या बोली थी? क्या बोली थी? आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना जब वहाँ पे गए थे, उससे हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों, तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। तो कितने बजे पहुँचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे, दो हम समय नहीं देखे थे तभी, मतलब रात, मतलब देर रात पहुँचे थे जी। तब तक कौन कौन सोए हुए थे, कौन कौन जगे हुए थे? वहाँ पे मेरी दादी सब वहाँ पे सोई थी, दादी भाभी सब या मेरी भैया सब, वो सब सोए थे, भाभी भी सोई हुई, भाभी जगी हुई थी, उसका आंख खुला हुआ था, हम देखे थे उसको, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, बुलाई हुई थी जी। अच्छा, आने के बाद हम लेकिन जो वहाँ पे टॉयलेट करने के बहाना से आए थे, हमको पता नहीं था कि वो आएंगे, हम लेकिन कॉल लगाए थे उसको, हम रोज बात करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, हम बात करते थे, प्रेम ऐसा कौन नहीं करता है, कौन माँ बाप को बताता है कि हम प्रेम करते हैं, किसको बताता है कि हम प्रेम करते हैं। आपके हिम्मत को लेकर के ही हम लोग यहाँ पर हिम्मत करेंगे, न्याय नहीं आप लोग दिलाइएगा तो हम जाएंगे दिलाने, हम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचेंगे, मेरी स्वास्थ्य लेकिन ठीक रहने चाहिए, लेकिन बहुत इसका खिलाफ उड़ाया, क्यों लाया उड़ाया खिलाफ, हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के देखे लेके रहेंगे, शादी का बात है, खिलाफ उड़ाया क्यों है, क्यों उड़ाया ऐसा खिलाफ, गलत सलत क्यों मीडिया वाला डाला है? धैर्य नहीं खोएंगे, धैर्य क्यों खोएंगे, धैर्य खोने का रहता तो हम उस घर में रहते, इस घर नहीं आते हैं। आरती जी, जिस तरह से मीडिया में शादी की बातें लेकर बातें सामने आ रही है, उस पे आपका क्या कहना है? क्या आपके शादी को लेकर जो बात मीडिया में चलाई जा रही है उसको लेकर क्या? शादी हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे उसका उसी को लेकर हम रहेंगे, उसी का चेहरा देख के रहेंगे, हम नहीं करेंगे शादी जिंदगी में, नहीं करेंगे हम। आपका दादी बता रही थी कि आपके भाभी मोबाइल नहीं चलाती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कौन कहता है कि जिसका घर में रहता है मोबाइल नहीं चलाती थी, नहीं चलाती है। अच्छा, मोबाइल चलाती थी? चलाती थी, मेरी ही मोबाइल लेके जब मांगती थी तो हम देते थे। ऐसा होता है कि आप लोग आपस में रहते हैं तो एक ना दो मिनट होता है कि मतलब डिस्काउंट होता है, फिर भी मेल नहीं होता है। आज ही हम उनका बैठ लिए हैं तो बता रही थी कि मोबाइल नहीं, सारा गलत बात हो रहा है, हम भी थोड़ा बहुत सुने हैं, उलट पुलट बात हो रहा है, कहा है मैं कहा है मुँह से हिला रही थी, जब सच्चाई बात हो तो मैं कहा है हटा रहे थे। अच्छा, आपके छोटे भाई ने कहा है कि छोटू उस दिन हथियार लेके आया था, ऐसा तो गलत बात, हथियार था तो हथियार है कहाँ, वो लोग कह रहे हैं गांव वाले ले लिया, और गांव वाले कौन लिया, गांव वाले तो आया था मारने, कैसा हो सकता है गांव वाले लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है सवाल, मारने के लिए गांव वाले भी आए थे, अगल बगल का आए थे, वहाँ से अपना लाखों रुपया लेके आया है क्या, आपकी दादी बता रही थी वहाँ से लाख रुपया, लाख हम क्या करेंगे, वहाँ पे लाख रुपया कौन घर में था, कहाँ पे था, घर में रहते थे हम, कहाँ था रुपया? ऐसे भी आप पुलिस के साथ गए थे ना? पुलिस के साथ गए थे, पूरा प्रशासन के साथ गए थे हम, एक जीप था पुलिस। अच्छा, आपकी दादी और वहाँ पे तभी हम जो गए थे वहाँ पे सारा आदमी सब भी आए थे, क्या बोले हमको, ये भी धमकी दिया कि ये दुनिया देखा कहाँ है,
हम दुनिया नहीं देखे नहीं देखे हैं, हकीकत बात है, लेकिन दिखा देंगे सबको दुनिया कैसे होता है। छोटू पे पहला प्रहार कौन करता है? पहला प्रहार मेरा भाई करता है, बड़ा भाई। बड़ा भाई। और छोटा भाई और दादी के बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। जी वो निर्दोष है, लेकिन दादी भी आपके अगेंस्ट में कह रही हैं, कह रही हैं कि जो है आरती झूठ बोल रही है। आरती बिन वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, हमको उससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो निर्दोष है। अच्छा, अब फाइनली कब ये हुआ कि छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई? जी कब मरे हैं? कब मरे हैं वो तो हम देखने नहीं गए, रूम में थे, लेकिन जब हल्ला हुआ तब हम पहुंचे रूम, हमको भी दूसरा रूम में, अलग रूम में बंद। जी आप पहले नहीं, मतलब कि एक ही समय में बंद नहीं किया था, मतलब जिस उसको रूम में बंद किए, रूम में बंद किए तो कुछ टाइम, मतलब उसको लेके गए बाबा भैया गए, इधर सब तो जानवे करते हैं कि लेडीज सबका तो माल कैसे हो जाता है, तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने, तो गए तुरंत मामा के पास, बारी होकर हम दरबार मार के गए, तो मामा बोले कि ठीक आते हैं। अब पता नहीं आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा, छोटू के मामा। जी वो नहीं आए। तो मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? बिल्कुल पास में, 100 मीटर के डिस्टेंस। 100 मीटर के, 100 मीटर। आपके मामा भी बता रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ एक घर के बाद है, उन्होंने बोला था कि पुलिस, आपके मामा जी बता रहे थे कि हम गए थे। क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा। मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? हम नहीं गए, हाँ बोले नहीं गए थे तो धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे। धमकी दे रहा है क्या? धमकी अभी भी दे रहा है कि हम उसको गोली मारेंगे। कौन दे रहा है? अब क्या पता कौन दे रहा है, उधर से आ रहा है। फोन कॉल, मतलब कि दूसरा जहाँ पे बोल रहा था वहाँ का कोई रिलेशन है यहाँ का लोग का, वो सुने तो बोले। अच्छा गांव के भी कुछ आरोपी है? कहाँ, हर एक जगह से है। प्रशासन के द्वारा अभी जो कार्रवाई की गई है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? उससे है कि कानून तो कानून है, वो तो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन उसको भी लगता है कि हमको दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है अभी भी? अभी भी लगता है कि दबाया जा रहा है। आपके जीजा जी का क्या रोल है इस पूरी घटना में? इस पूरी घटना में उसका एक शुरू से कहना था कि दोनों को हम नहीं देंगे रहने, दोनों को उस रोज भी बोला, उतना कांड होने के बावजूद भी बोला कि दोनों को काट के रख दो घर में। अच्छा, जी अच्छा, कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपकी भाभी का इसमें बहुत सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा हाथ उसका मेरी भाभी की है। भाभी जीजा में बात होते रहता था। अच्छा, दोनों का इस बात। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है कि आपकी भाभी आपका शादी अपने भाई से कराना चाहती है? नहीं, गलत बात है, इस मामले में हमको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई आगे का निर्णय अभी तक कोई मीडिया वाला आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अगला कदम क्या होने वाला? मतलब अगर न्याय नहीं मिलता, एसपी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, हम पहुंचेंगे। आप आपके साथ पूरी मीडिया, पूरा देश का रुख खड़ा रहेगा। पटना कोर्ट जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राष्ट्रपति, कहां जाएंगे आप? हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, नहीं मिलेगा कहां, कहीं से न कहीं से जरूर मिलेगा न्याय। ऐसा थोड़े है कि पूरा दुनिया सोया हुआ है, एसपी सो जाएंगे, डीएसपी सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, थाना सो जाएंगे, वो सब तो थोड़े सोएंगे। एसपी साहब नहीं सुन रहे, वो कल भी आए तो बोले कि 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे अपराधी। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो फिर 2-3 दिन बाद आप कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे एक जगह, इसके बाद कहाँ जाएंगे, कुछ सोचे हैं? अभी तक तो हमने, मेरी सबसे पहली ये बात है कि हम तबीयत हम ठीक नहीं रहती, हम कभी कुछ हो जाता है हमको। अच्छा, आप आपके जो भैया देखे थे आप दोनों को, तो आप दोनों क्या बातचीत करते हुए पकड़े गए थे या फिर कैसे? जैसे हम की उधर से, हम तो मेरा एग्जाम था उस रोज, हकीकत बात है, जो एक भी इसमें मेरा झूठ नहीं है, सारा जितना वहाँ पे बोल रहे हैं, सारा वहाँ पे जो गांव का आदमी सब जो दिए। बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आपकी अपनी दादी कह रही है कि आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। गलत बात है, एक गलत बात है। जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको, जो गलत सही बात हम बोलेंगे, बोलेंगे। हम आए वहाँ पे, जैसे हम टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, यही सब बात नहीं है कि ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है, बात करते हम, कॉल लगा हुआ था। जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बाड़ी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुई, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए, तुरंत आए हम, आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में, तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए हम टॉयलेट, नहीं किए, तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया। हम बोले दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था। तो हम बोले कि दिमाग खराब आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे। हम बोले चलिए ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जो हुआ हुआ, चले जाइए आप यहाँ से। बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते, हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ, रहिए, हम जाते हैं। इतना तो बोले तब तक उधर से आ गए, हम जा रहे थे, हाँ इतने ही बोले कि उधर से आ गए।
उतना एक मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे उधर से भैया वो लोग मार रहे थे। आप उस टाइम आपको कमरे में बंद किया गया था या वहीं पे थे? सुनने मारे कमरे में बंद के दूसरे कमरे में बंद किया गया था आपको? उसको हम आपको पहले भी बताए बारे में पहले बता चुके हैं। अंत में प्रशासन से क्या मांग रहे जी? अंत में प्रशासन से हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय चाहिए हमको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।